हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो आपने हायर एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन आप जो देते थे पहले हार्ड कॉपी के रूप में, चाहे वो आप अपने डीडीओस को देते थे, चाहे बीपीओ ऑफिस में देते थे, चाहे आप डी ऑफिस में देते थे, अब वो जो आपका प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन हो चुका है। उसको आपने कैसे ई पंजाब स्कूल से आपने ऑनलाइन करना है वो बताएंगे आप आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो स्टार्ट करेंगे हम ई पंजाब स्कूल के होम पेज से। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपको लिंक है, जो आपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना है, वो आपका होगा स्टाफ लॉगिन से। तो आपने स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करके स्टाफ लॉगिन में जाना है, और यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है अपने स्टाफ अकाउंट में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एक लॉगिन किया हुआ है एक स्टाफ अकाउंट में। तो यहाँ पर आपने कहाँ जाना है, अप्लाई में। तो अप्लाई में आप देखिए, यहाँ पर आपके पास लास्ट में, हमारे पास सेकंड लास्ट एक ऑप्शन है कि अप्लाई एप्लीकेशन फॉर हायर एजुकेशन। तो आप यहाँ क्लिक करोगे, जब आप यहाँ क्लिक करोगे एंड देन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले होएगी, यहाँ पर लिखा हुआ परमिशन फॉर द हायर एजुकेशन। तो जनरल डिटेल में आपका जो स्कूल की डिटेल होगी वो होगी, स्टाफ डिटेल में आपकी जो आपकी स्टाफ डिटेल होगी वो शो करेगा, एंड देन आपके पास है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे, देखिए क्वालिफिकेशन का नाम, कि जो आपने क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी का नाम, एंटर द फुल नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम भरना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। टाइप ऑफ कोर्स, रेगुलर करनी है आपने, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है या डिस्टेंस एजुकेशन करनी है। तो जिस भी मोड में आपने वो अपने हायर एजुकेशन के लिए आपने करना है, एप्लीकेशन लगानी है या फिर आप कर रहे हो, तो उसका जो मोड होगा वो आप यहाँ पर फिल करोगे, रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो वो आप यहाँ पर फिल करने के बाद कोर्स की जो ड्यूरेशन है, तो जो कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो आप यहाँ फिल करोगे कि कोर्स की जो ड्यूरेशन है कब से लेकर आपने कब तक करना है। और यहाँ पर लास्ट में देखो आपके पास है चूज फाइल, कि यहाँ पर आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर वो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, अपलोड करोगे, और वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, आप सेव कर दोगे, वो आपकी जो भी आपका जो हायर अथॉरिटी होगी उसके पास आपकी जो फाइल है वो चली जाएगी। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपने ऑनलाइन जाकर, आपने अप्लाई में जाकर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द हायर एजुकेशन पर क्लिक करना है, और जो आपकी जो परमिशन है फॉर हायर एजुकेशन वो आपकी ऑनलाइन ही क्लियर हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो परमिशन लेनी है हायर एजुकेशन के लिए वो आपने ई पोर्टल से या फिर ई पंजाब से कैसे आपने उसको आप फिल करोगे अपनी डिटेल को। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।